नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज फाइंड द एक्सेशन ऑफ द 500 ग्राम ब्लॉक एज शोन इन द फिगर नाउ अपना स्नैरियो ये है एंगल है अपना 30 डिग्री का सो so, स्नैरियो ये है कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन ऐसे है यहाँ पे एक ब्लॉक है उसको आपने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है पुली से एक ब्लॉक यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है और यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है और एक ब्लॉक यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है लेटस से ये आपका प्लेन ऐसे कहीं पे ऐसे लटका हुआ है ठीक है सो दिस इज़ द स्नैरियो सो हमें बताना है एक्सलेशन इनका क्या होएगा, जो अपने को मास दिए हुए एक काम करते हैं पहले जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं लेट्स कॉल दिस एम वन एम टू और एम थ्री अपने को जो वैल्यू दी हुई है वो एम वन है अपना पचास ग्राम और एम टू जो है ये वाला वो है आपका सौ ग्राम और एम थ्री जो है दैट इज़ इक्वल टू पाँच सौ ग्राम ठीक है और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं हाँ हमें इसका एक्सेलेशन बताना है क्योंकि एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं हम इन रस्सी अलग अलग है तो बट क्योंकि इन एक्सेंसीबल वो सारी कहानी है तो इनका एक्सेलेशन सेम होएगा ठीक है सो लेटेस्ट से ये वाला ब्लॉक आपका ए एक्सलेशन से इधर जा रहा है तो इसका भी एक्सेलेशन एम टू यहाँ लिख लेते हैं इसका भी एक्सेलेशन इधर हो जाएगा इसका भी सेम एक्सलेशन ए ऊपर की तरफ हो जाएगा लेटेस्ट से इस रस्सी में टेंशन यहाँ पर जो है वो टी है और यहाँ पे आपकी आ, टेंशन यहाँ पे T2 है राइट तो बस तीनों का एफ बना लेते हैं आ, एक दो तीन ब्लॉक हैं तीनों का एफ बनेगा और आपकी आ, तीन इक्वेशन आएंगी तीन वेरिएबल हैं T1, T2 और A, ठीक है सो तो हमें A की वैल्यू बतानी है टी वन एलिमिनेट कर देंगे ठीक है तो आ, सबसे पहले इक्वेशन लिखी मान लो हमने M1 ब्लॉक की सो M1 ब्लॉक की इक्वेशन है एफ भी चलो बना लेते हैं तो नीचे आया आपका एम ऊपर लगी टेंशन टी आ, और ये ऊपर ए एक्सलेशन से जा रहा है तो इसकी जो इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं t माइनस एम वन जी विल बी इक्वल टू एम वन एम वन ए सो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई ठीक है एम थ्री ब्लॉक की अगर हम पहले को इसका एफ बी डी बना के इसकी इक्वेशन लिखेंगे सो so, इसका जो एफ बी डी बनेगा उसमें आपका फोर्स नीचे लग रहा है एम थ्री जी ऊपर आपकी टेंशन टी है अच्छा एक मिनट यहाँ टेंशन टी वन था ध्यान रखना ये टेंशन टी टू है और ये पूरा सिस्टम ए से नीचे आ रहा है तो इसकी जो इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं एम थ्री जी माइनस टी टू विल बी इक्वल टू एम थ्री ए एक काम करते हैं यहाँ से टी uh, टू की वैल्यू इधर लिख लेते हैं तो टी टू विल बी इक्वल टू एम थ्री जी माइनस एम थ्री ए आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई और इसके लिए टी वन की वैल्यू जो है ऐसे लिख लेते हैं टी वन विल equal इक्वल टू एम वन जी प्लस एम आ, एम वन ए आपकी टी वन की वैल्यू हो गई लेट्स कॉल दिस इक्वेशन वन ठीक है अब इस ब्लॉक की इक्वेशन लिखते हैं सो तो क्योंकि हमने माना है पूरा सिस्टम इधर जा रहा है सो तो जब आपने m2 का एफ बनाया सो m2 का एफ कुछ ऐसा बनेगा कि इसका इधर तो फोर्स लगा आपका T2 इधर आपका फोर्स लगा T1, और यहाँ पे एक आपका फोर्स और लगेगा एम टू जी साइन थीटा साइन थर्टी हो जाएगा ये और पूरा सिस्टम इधर ए एक्सलेशन से जा रहा है तो इसकी जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो आएगी टी टू माइनस टी वन माइनस एम टू जी साइन थर्टी डिग्री विल बी इक्वल टू एम टू ए ठीक है अब यहाँ से टी वन टी टू की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं तो ये अपनी इक्वेशन नंबर थ्री हो गई सो टी टू की वैल्यू यहाँ से और टी वन की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं तो टी वन टी टू की सुपारी हो जाएगी सिर्फ ए वेरिएबल रह जाएगा अपना सो टी टू का मतलब ये हो गया आपका एम थ्री जी माइनस एम थ्री ए माइनस ये टर्म है यहाँ गलती मत करना कोई एम वन जी प्लस एम वन ए माइनस एम टू जी साइन थर्टी है उसको वन बाय टू लिख लेते हैं विल बी इक्वल टू एम टू ए ए वाली टर्म एक साथ ले आते हैं तो ए वाली सारी टर्म उधर ले जाते हैं सो so, आपका यहाँ पे जो बन गया ये आया एम थ्री माइनस एम वन और माइनस एम वन बाय टू इन टू जी विल बी इक्वल टू ये वाली टर्म उधर जाएगी सो so ये बचेगा आपका uh, ये बचा आपका एम टू ये आया एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री तो ये एम वन प्लस एम टू बाई टू ये प्लस एम थ्री इन टू ए ठीक है सो so, डेटा डाल के अपनी वैल्यू मिल जाएगी सो so, डेटा है अगेन यहाँ पे अपने वो ग्राम में दिया हुआ है उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वो टेन टू पावर जो भी आप करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा अपना ठीक है सो so, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे सो so, ये अपनी जो वैल्यू है ये आ जाएगी एम थ्री एम थ्री यानी कि हो गया 500 हंड्रेड माइनस एम वन एम वन यानि कि पचास माइनस नहीं uh, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया हमने यहाँ पे एम वन है ये जो आएगा बाय टू ये एम टू बाय टू है हाँ ये गलती मत करना ठीक है एम टू एम वन आ गया आपका 50 एम टू आ गया 100 बाई टू मल्टीप्लाइड बाय जी दैट विल बी इक्वल टू एम वन एम वन यानी कि 50 प्लस हंड्रेड बाई टू प्लस एम थ्री इज फाइव हंड्रेड एट सो ये बचा फिफ्टी माइनस फिफ्टी माइनस फिफ्टी तो ये बचा फोर हंड्रेड जी विल बी इक्वल टू ये बचा आपका फाइव हंड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी सिक्स हंड्रेड ए हाँ यहाँ पे एक गड़बड़ कर दीजिए ध्यान रखना है ऐसी गड़बड़ करना हमें अलाउड नहीं है सो so, ए वाली जो टर्म है ये एम टू बाई टू यहाँ नहीं आएगा सो दिस इज़ नॉट बाय टू हालाइट सो ये जो है ये एम टू uh, ही रहेगा सो दिस विल बी दिस शुड बी सिक्स फिफ्टी हालाइट फिफ्टी प्लस ये सिक्स फिफ्टी तो आपका जो ए है फाइनल आंसर आ गया फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई सिक्स फिफ्टी जी तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो so, आपके ए की जो वैल्यू आ गई uh, ये बन जाएगा आपका एट बाय थर्टीन जी हालाइट so acceleration is equal to 8 by 13 g would be the final right answer